Hello students, welcome to my channel City Commerce Concepts, and today we start our second part of general entry. Yesterday we have already completed the first part of general entry and we have started from the basic entries ki how to make entries, ki entries ko kaise banate hain, kaise start karte hain. ये सारी चीज़ें जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. मैं आज मैं कुछ ऐसी पर्टिकुलर एंट्रीज़ को लेकर आई हूँ जिनको क्या है कि जिनको समझने में थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा समझ नहीं आता कि वो एंट्रीज एक्चुअली में बनेगी कैसी, थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है, तो इसलिए आज जो है हम लोग बेसिक से थोड़ा ऊपर, जिसको हम कह सकते हैं थोड़ा सा लेवल हम इंक्रीज़ करेंगे एंड अपनी एंट्रीज़ को स्टार्ट करेंगे. ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट वन. The purchase goods at list price of ₹20,000 from Vishal at 20% discount against check payment. ठीक है, जो भी लिखा है उसको बहुत ढंग से पढ़ेंगे अगर आप लोग, तो आपको यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू मेक एन एंट्री. ओके, द फर्स्ट इज द परचेज गुड्स एट लिस्ट प्राइस. लिस्ट प्राइस मीन्स कॉस्ट प्राइस. कितने में दिया? 20,000. किससे लिया? विशाल से. विशाल ने उसको क्या दिया? 20% डिस्काउंट दिया, बट अगेंस्ट चेक पेमेंट. अगेंस्ट चेक पेमेंट का मतलब क्या हो गया कि उसने किस में दिया? चेक में नहीं दिया, अगेंस्ट में दिया. यानी कि चेक का अगेंस्ट में क्या हो गया? कैश में दिया. ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा. तो एंट्री कैसे बन जाएगी? अब परचेज किया है, एंट्री बिल्कुल सिंपल है. ठीक है, आपको यहाँ पे गुड्स का नाम नहीं दिया है तो हम क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. ओके, एंट्री तो बन गई. नाउ द पॉइंट इज अमाउंट कितना आएगा. ठीक है, आज की जितनी भी एंट्रीज हैं वो बेसिकली मैंने अमाउंट के बेसिस पे लिए. कि अब आपको एंट्रीज बनानी तो होगा कि हाउ टू मेक योर एंट्रीज, बट उसमें अमाउंट का जो प्रॉब्लम होता है समझ नहीं आता कौन सा अमाउंट लिखना है, आज हम लोग उसी पे वर्क करेंगे. ओके, तो ना अमाउंट इज 20,000 के गुड्स थे, 20% डिस्काउंट मिला. तो 20,000 को अगर हम 20% 20,000 ऑफ 20% डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा? 4,000. एंड देन 20,000 को 4,000 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16,000. सो द आंसर इज 16,000. ओके, एंड इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स परचेज बाय कैश. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. सोल्ड गुड्स टू पवन एट लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. आप क्या किया है? गुड्स को सोल्ड किया है. किसको किया है? पवन को किया है. अब बिल्कुल ध्यान रखिएगा, किसने रिसीव किया गुड? पवन ने. हु इज द रिसीवर? पवन. हु इज द डेटर? पवन. तो क्या हो जाएगा? सीधे सीधे अगर आपको समझ आ रहा है तो लिखिए क्या हो गया. पवन अकाउंट डेबिट टू, सोल्ड किया है तो क्या आ जाएगा? सेल्स. अगेन अमाउंट कितना आएगा? 20,000 का गुड था, 10% डिस्काउंट दिया. 20,000 का 10% कितना हो गया? 2,000 माइनस करेंगे 20,000 से, कितना आ जाएगा? 18,000. तो अमाउंट इज 18,000. ओके, नरेशन समझ आ गई होगी. बीइंग सोल्ड गुड्स टू पवन ऑन क्रेडिट. नाउ नेक्स्ट इज एक्सक्यूज मी. सो नेक्स्ट इज रिसीव फ्रॉम भरत कैश ₹20,000 अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹500. अब देखिए किसने रिसीव किया? भरत ने किया. कितना कैश किया? 20,000. अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ रुपीज, कितना मिला उसको डिस्काउंट? 500 का. ठीक है, चलिए क्या उसने रिसीव किया? कैश किया, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट. उसको क्या डिस्काउंट भी मिला? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू किससे मिला? हु इज द गिवर? भरत. ठीक है, अब बात आती है कि अमाउंट कैसे लिखेंगे. कितना कैश लिया उसने भरत से? 20,000 का. कितना डिस्काउंट मिला था? 500 का. ठीक है, अब कितना हो गया भरत ने, यानी कि कितना दिया? 20,500. ऐसे लिखा जाता है अमाउंट. ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सा अमाउंट कहाँ आएगा. जैसा जैसा पूछा गया वैसा लिखा जाता है. ठीक है, और इसकी नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम भरत ऑन
कैश. ओके नेक्स्ट आते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम अखिल रुपीज 38,000 इन सेटलमेंट. यस, काफी बच्चे हैं जिनको सेटलमेंट का समझ नहीं आया कि सेटलमेंट में हो क्या क्या. ऑफिस ड्यूज ऑफ रुपीज 40,000 रिसीव फ्रॉम अखिल रुपीज 38,000. कितना रिसीव किया उसने, किससे रिसीव किया, अखिल से रिसीव किया. क्या रिसीव हुआ, कैश रिसीव हुआ. ठीक है, कैश रिसीव हुआ, सीधे सीधे लिखेंगे हम लोग, जो रिसीव होता है वही लिखते हैं. डेटर कैश अकाउंट डेबिट. ठीक है, और क्या मिला उसको, डिस्काउंट मिला. अब डिस्काउंट कहाँ कैसे मिला देखिए, ये भी बताते हैं. और आपको कैसे पता चला कि डिस्काउंट मिला, चलिए इसको हम पहले बाद में लिखते हैं, अभी देखिए मैं आपको समझाती हूँ. ओके, कैश अकाउंट डेबिट लिखा. कैश अकाउंट डेबिट किसने दिया, टू अखिल ने दिया, ऐसे समझिए. ठीक है, किसने दिया, अखिल ने दिया. अब देखिए कि कितना दिया, टू अमाउंट 38,000 एंड 40,000. अमाउंट एक्चुअली कितना था, उसने अखिल से उसने कितना रिसीव किया, 38,000 का. लेकिन अखिल को देने कितने थे, 40,000 देने थे. ठीक है, कितने देने थे, 40,000 देने थे. रिसीव कितना हुआ, 38,000 हुआ. लेकिन क्या हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है, नहीं है. तो यानी कि अभी यहाँ कितना गैप हो गया, यहाँ पे 2,000 का गैप और है. तो ये 2,000 क्या हो गया, उसने उसको क्या दिया, डिस्काउंट अलाउ किया. सॉरी, ठीक है, तो ऐसे जो है हम सेटलमेंट का अमाउंट लिखते हैं. सेटलमेंट का मतलब क्या हो जाता है कि जितना देना था उसमें उसने क्या किया, उसने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया. ओके, तो इसके तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अखिल. ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं, आप इसमें नरेशन क्या लिखेंगे, बी अखिल रिसीव्ड फ्रॉम सॉरी बीइंग दैट पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अखिल. ओके ऑन कैश. नेक्स्ट आते हैं, पेड कैश रुपीज 40,000 टू सुरेश अवेल डिस्काउंट ऑफ 2%. ठीक है, कितने का डिस्काउंट दिया है, 2% का. पेड कैश कितना दिया, रुपीज 40,000 टू सुरेश. हु इज द रिसीवर, सुरेश. सीधे सीधे लिखेंगे, सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश. ओके, अब देखिए कितना मिला, कितना दी, कितना उसने रिसीव किया, 40,000. लेकिन उसको क्या था, उसको तो डिस्काउंट मिला 2% का. तो 40,000 का 2% कितना हो जाएगा, 2,000. 40,000 का 40,000 का हम क्या करेंगे, 2% निकालेंगे. सॉरी, तो ये कितना हो गया, 800 हो गया. ठीक है, यस, तो 800 का डिस्काउंट क्या है, उसने दिया उसको, तो क्या आ जाएगा, डिस्काउंट या कितना आ जाएगा, 800. एंड द कैश क्या हो जाएगा, रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 39,200. ठीक है, ये हो गया सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू डिस्काउंट. आई थिंक नरेशन अब आपको क्लियर हो गई है कि कैसे लिखना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 60,000. इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, सोल्ड से पहले आ जाएगा, जैसे किसी का भी नाम लिख लीजिए, लाइक अमन लिख लीजिए. ठीक है, अमन सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 60,000 टू विमल, रिसीव 50% ऑफ ड्यू अमाउंट अलाउइंग 2% डिस्काउंट. अमन ने गुड्स सोल्ड किया किसको, विमल को. हु इज अ रिसीवर, विमल इज अ रिसीवर. लिख दीजिए सबसे पहले, विमल अकाउंट डेबिट. ठीक है, विमल रिसीव 50% ऑफ ड्यू अमाउंट, यानी कि किसका 50%, जो 60,000 रुपीज दिया गया है उसका 50%. तो कितना हो जाएगा, 30,000 हो गया. एंड उस पर ही उसको क्या मिला है, 2% डिस्काउंट मिला है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट किसने दिया है, टू अमन. अब देखिए इसको फिल कैसे करेंगे. अब देखिए कितना दिया था उसने, 60,000 देने थे, जिसका उसने क्या किया, ड्यू कितना था, 50%, यानी कि उसने कितना रिसीव किया, 30,000. डिस्काउंट कितना मिला, 2%. किस पे था,
50% ड्यू था यानी कि 30,000 पे, तो 30,000 का 2% कितना हो गया, 600 हो गया। क्या हमारी एंट्री बराबर हो गई है, डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल हो गया है? नहीं, क्योंकि यहाँ 60,000 है और ऊपर कितना हुआ, 30,600, यानी कि अभी अभी क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट और इसको इक्वल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29,400, सॉरी। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, ऐसे जो है अमाउंट को लिखा जाता है। ठीक है, ऐसा ही, ये ऐसा मत समझिएगा कि जो हमको दे दिया क्वेश्चन में और हमने एज इट इज उसमें कॉपी राइट कर दिया, नहीं। आप क्वेश्चन को समझिए, लाइन से पढ़िए और उसके हिसाब से उसको कैलकुलेशन निकालिए, एंड मेक श्योर कि अगर कैलकुलेशन हो सके तो अपने एग्जाम में साइड में वर्किंग नोट पर ज़रूर मैंशन करिएगा, बिकॉज उससे आपका जो आंसर्स का इम्पैक्ट है वो और अच्छा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके, द नेक्स्ट इज पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग ऑफ ₹5,000 बाई चेक। ठीक है, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज। अगर आपने लास्ट वीडियो मेरे देखा होगा तो मैंने कुछ बताया था आपको, पर्सनल यूज अगर होता है तो उसके लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो पर्सनल टर्म के लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्रॉइंग यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या है, पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग ऑफ ₹5,000 बाय चेक, हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज। तो कैसे लिखेंगे इसको, क्या दिया है, आपने रेंट पे किया है तो आपको क्या है, रूम मिला है, आपको जगह मिली है, तो यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने हाफ ऑफ द बिल्डिंग किस लिए यूज करी है, रेजिडेंशियल के लिए यूज करी है, तो ड्रॉइंग हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब देखिए कितना कैश आपने पे किया है, आपने कितना दिया, 5,000 दिया। ठीक है, आपको कितने का पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग ऑफ ₹5,000 बाय चेक एंड हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर। हाफ ऑफ द बिल्डिंग का मतलब क्या हो गया, 5,000 का हाफ कितना हो गया, 2,500 का तो वो यूज कर रहा था, तो आपके में रेंट कितना आया, 2,500। सो हियर इज अमाउंट। ठीक है, तो दिस इज द वे जिस तरीके से हम लोग अमाउंट को मेंशन करते हैं। आई होप कि जो जो मैंने आस्ट न्यू एंट्रीज आपको यहाँ पे मेंशन करी है वो आपको क्लियर हुई होगी। एंड स्टिल अगर ऐसा है कि अगर आपको कोई डाउट हो, कोई आपको नहीं समझ आया हो, या फिर आपकी कोई अपनी एंट्रीज हो जो आपको नहीं समझ आ रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी उसको एंट्रीज को डेफिनेटली सॉल्व करूँगी। एंड इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट देन अगेन से कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। Okay, so that's for all today. Thank you so much, students.